डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम सभी कैपिटलिज्म के ज़माने में जी रहे हैं। यह पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उससे गाइडेड हो रही है, खास करके 1991 के बाद हमारे रहन सहन, खान पीन, सोच विचार, सोशल रिलेशन, किस तरह से हम एंजॉय करते हैं, किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, इन सब पे कैपिटलिस्ट डॉक्ट्राइन या आइडियोलॉजी का पूरा प्रभाव है। ऐसे में इस विषय को एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना एक्साइटिंग भी है और चैलेंजिंग भी है। एक्साइटिंग क्योंकि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रक्चर, उसको समझना, और चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती है उसको थ्योरेटिकली समझना उतना ही मुश्किल होती है। सो आई विल ट्राई, लेट अस बिगिन विद मी। What is in store? हम पहले जो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे एज यूजुअल। कैपिटलिज्म जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या कंपेरेटिव स्टडी का एक पोर्शन है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी कह लीजिए। देन मीनिंग नेचर जो कैपिटलिज्म की है, जो खास करके हम आपको बताना चाहते हैं वो, और फिर इसके डिफरेंट डायमेंशन हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म का क्या नाता है लिबरलिज्म से, कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म कैसे जुड़े हुए हैं, यह ग्लोबलाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, और कैसे यह नेशन स्टेट की जो अवधारणा है उससे कैसे जुड़ा हुआ है। इसमें हम जो है इवोल्यूशन जो कैपिटलिज्म का हुआ है और इसके डिफरेंट फेजेस, वो इसको छोड़ रहे हैं, जो कि पार्ट टू में हम लोग देखेंगे। यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वह है एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। यह ऑफ कोर्स इस वीडियो में कवर्ड नहीं है, इवोल्यूशन एंड फेजेस हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन सैलियंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यह इसमें कवर्ड है, हम लोग देखेंगे कि क्या इसके फीचर्स हैं। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, मैंने पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन को ऐसे डिफाइन नहीं किया है। Do you agree that it has affected the nature of state in recent times? ये portion इस video में cover नहीं है, लेकिन मैंने कई और तरीके से cover किया और आगे भी cover करेंगे कि globalization का nation state के phenomena पे क्या असर है। Write an essay on history of capitalist expansion in the world. यह कुछ नहीं है, ये वही question है जो first है, origin and development of capitalism, वो हम लोग second video में देखेंगे। Define capitalism, yes हम लोगों ने cover किया है। Do you agree that globalization is the face of modern capitalism? इस पे थोड़ी सी हमने चर्चा की है। And what are the major challenges of capitalist world order today? तो ये तो in general है, जिसपे कि आगे भी आप इस पे और जो है discussion different comparative politics में हम लोग देखेंगे। अब आइए कि इसका capitalism का meaning क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ आइडिया कैपिटलिज्म का होगा, बिकॉज बचपन से आपने इस वर्ड को इतनी बार सुना होगा। मुझे लगता है कि सबसे सिंपल वे में समझने के लिए, इट इज नथिंग बट प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट बाय प्राइवेट एंटिटी। इसमें तीन वर्ड है, एक प्रोड्यूस हो रहा है, उसका पर्पस मोटिव जो है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाना है, और यह इसेंशियली प्राइवेट एंटिटी के द्वारा होता है। कोई मतलब कि सोशल इंटरप्राइज नहीं है या गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक इंटरप्राइज नहीं है, प्राइवेट। इसको और यदि इलैबोरेट करें तो इट इज ए मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरह से प्रोडक्शन की जाती है, प्रोडक्शन कैसे अरेंज किया जाता है सोसाइटी में, इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है, जो कि लैंड, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और उद्यम, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, आर ओन्ड बाय वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्लास। एक पूंजीवादी क्लास जो होता है, जिसके पास संपत्ति क्लास जो है, वह इसको बहुत मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, एंड दे परचेज वेज लेबर फ्रॉम वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रॉपर्टी लेस क्लास। और जो एकदम ह्यूज प्रॉपर्टी लेस क्लास है, जिसको लेबर क्लास कहते हैं, उनको उनका यह जो लेबर है, श्रम जो है, यह प्रॉपर्टी क्लास खरीदता है। तो इन नटसेल मैं क्या बोल रहा हूं, इट्स ए मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के पास होता है, जो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं, और वो वेज लेबर जो है वो मासेस से खरीदते हैं। इसको आप यदि थर्ड आप इसमें देखिए पॉइंट, तो यहाँ क्या होती है, शुरुआत होती है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास या प्रॉपर्टी क्लास है वो अपना मनी लगाता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल
वो चीज है, वो मनी है जो खर्च नहीं किया जाता बल्कि वो प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वो मनी है। तो कैपिटल या मनी लगाता है, उससे वो बाय करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड खरीदता है, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और लेबर खरीदता है, फिर प्रोड्यूस करता है। वो जो प्रोड्यूस करता है क्या करता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसको सेल करता है मनी प्लस प्रॉफिट, मतलब जितना उसने 100 रुपए यदि लगाया उसने 150 रुपए में उसको बेचा, इसका मतलब 50 रुपीज उसने प्रॉफिट कमाया। तो मनी प्रोडक्ट एंड मनी प्लस प्रॉफिट, यहां पे अब आप थर्ड देखें कि मनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सोल्ड, मनी प्लस प्रॉफिट। अब यदि आप साइड में देखें तो प्रॉफिट कहां से आता है, यह जो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट है वो लेबर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से आता है। वो प्रॉफिट जो है वो लेबर को नहीं देता, लेबर को केवल उतना देता जिससे कि लेबर जिंदा रह सके, अपना जीवन जी सके। वो जो सरप्लस लेबर है, मतलब वो लेबर जिसने कि ये प्रॉफिट प्रोड्यूस किया है, उसको कैपिटलिस्ट क्लास खुद रख लेता है, और खुद भी वो नहीं रखता, वो उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है, या तो रिटेन करता है, री इन्वेस्ट कर देता है, और फिर उससे क्या होता है, आप यहाँ साइकिल देखिए, मनी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड, फिर मोर मनी प्रोड्यूसेस मोर प्रोडक्ट सर्विसेज, मोर प्रॉफिट बिकम्स मोर कैपिटल, मोर प्रोडक्ट, एंड ये साइकिल जो है चलता रहता है, ये एक्सपेंशन जो है चलता रहता है। इन सारे में यदि आप देखिएगा तो लेबर कहाँ गया, लेबर क्लास ने अपना लेबर बेच दिया, जो मार्केट डिटरमिंड होता है कैपिटलिस्ट क्लास को, उसके बाद से उसका कोई नाता उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पे नहीं है जो उसके लेबर से प्रोड्यूस होती है, ना ही उस प्रॉफिट पे उसका कोई अधिकार है जो वो लेबर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से बढ़ता है। उसको केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल वेज जो कि दोनों के बीच में तय होता है वह मिलता है, और इसको मार्क्स के अनुसार से देखें तो जो सरप्लस लेबर वैल्यू है वो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो छीन लेता है, वो एक्सप्रोप्रिएट कर लेता है लेबर क्लास से, और उसको अपने बिजनेस में और अपने अमीरी में लगा देता है। नेक्स्ट आप यदि देखें तो इट इज ए मार्केट मेडिएटेड एंड क्लास बेस्ड सोशल रिलेशन। कैपिटलिज्म केवल एक मोड ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक सोशल रिलेशन का पैटर्न भी एक डेवलप करता है जो कि मार्केट द्वारा इंटरमीडिएटेड है। कैसे, देखिए लेबर अपना लेबर जो है, लेबर पावर जो है, जो मासेज या लेबर क्लास जो है वो मार्केट के थ्रू बेचता है मार्केट डिटरमिन रेट पे, और उसी मार्केट से में जो कैपिटलिस्ट क्लास है अपना प्रोडक्ट बेचता है, उसी मार्केट से कैपिटलिस्ट क्लास अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है, लैंड, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ETC खरीदता है, इवन कैपिटल भी खरीदता है बैंक से लोन लेकर के, और उसी मार्केट में जो लेबर क्लास है, जो मासेज है, वो प्रोडक्ट अपने जीवन जीने के लिए कपड़े लत्ते सब खरीदते हैं। तो ये मार्केट ही जो है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट ही सारा सोशल रिलेशन जो है वो मेडिएट करता है, मतलब वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह के जो सोशल रिलेशन होता है जो कि इम्पर्सनल है, कोई कस्टम, ट्रेडिशन या रिलीजन के बेसिस पे नहीं, आधार पर नहीं, बल्कि मार्केट के आधार पर बेस्ड है, या मार्केट जो इथिक्स है उसके आधार पे बेस्ड है, ये भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक पार्ट है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा, आगे के स्लाइड्स में हम इसको और अच्छी तरह से देखिए हाउ कैपिटलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप। हमें यह समझना चाहिए कि करीब 2,500 साल का यदि लिखित इतिहास है और 5,000 साल का सिविलाइजेशन, तो उसमें कैपिटलिज्म महज 300 साल से है। तो यह आप समझ सकते हैं कि बहुत थोड़े से पीरियड में हमारे हिस्ट्री के में यह आया है, 17th century में कह लीजिए कैपिटलिज्म का अभ्युदय हुआ है। तो उसके पहले जो प्री कैपिटलिस्ट मोड था उससे ये कैसे डिफरेंट है, इसे आपको समझने में आसानी होगी कैपिटलिज्म है क्या। यदि आप प्री कैपिटलिस्ट को देखें तो लैंड जो है, जमीन जो है, वो चीफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था। लेकिन कैपिटलिस्ट में यदि आप देखेंगे तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लैंड बहुत अब डिमिनिश हो गया है। लैंड है लेकिन इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ा कैपिटल, पूंजी और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम, जो आप सोच जो होती है इंटरप्राइजिंग सोच वो, और खास करके लेबर, ये जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। देन प्री कैपिटलिस्ट में प्रोड्यूसर ओन द प्रोड्यूस। आप देखिए पहले आप याद कीजिए भारत में जैसे मुगल काल में, तो जो पीजेंट फार्मर्स होते थे वो अपना प्रोड्यूस, अपना प्रोडक्ट करते थे। आर्टिजन जो है वो तलवार से लेकर के, लोहे से लेकर के, और कपड़ा जो है वो बुनकर कपड़ा बुनते थे, वो सारे जो प्रोडक्ट उनका होता था वो उसको पूरी तरह ओन करते थे, उसको वो बेचते थे और उनको छीन भी लिया जाता था, ये अलग बात है।
उसका टैक्स भी होता, लेकिन वो प्रोड्यूस को ओन करते थे। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं दे डू नॉट ओन द प्रोडक्ट, सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप समझिए कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म में असेंबली लाइन में एक मजदूर काम करता है, क्या वो कार को ओन करता है? नहीं। इवन जब खेत में आप काम करते हैं कैपिटलिस्ट फार्म में, प्लांटेशन में, तो आप उस प्रोडक्ट को ओन नहीं करते हैं, वो केले को ओन नहीं करते जो आप प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड डिफरेंस देखिए क्या है कि जो प्रोड्यूस या जो सरप्लस लेबर है, मतलब उस सरप्लस लेबर क्या है, वो लेबर के ऊपर जो कि प्रॉफिट देता है। इसका कॉन्सेप्ट और समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि एक लेबर जो है 8 घंटे काम करता है किसी फैक्ट्री में, 8 घंटे में उसने जो प्रोडक्ट बनाया या पार्ट बनाया उसका बाजार का वैल्यू मान लीजिए 200 रुपये है, और उस लेबर को 50 रुपये जो है वो मेहनताना मिलता है, तो 150 रुपये उसका जो है वो सरप्लस लेबर है, मतलब वो एक्स्ट्रा लेबर का वैल्यू है जो कि कैपिटलिस्ट रख लेता है, वो लेबर को नहीं देता है, उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये जो सरप्लस लेबर है ये छीन लिया जाता है या ले लिया जाता है, इसको इंग्लिश में एक्सप्रोप्रिएशन बोलते हैं या टेकन अवे एक्सट्रैक्शन, ये छीन लिया जाता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर बाय इकोनॉमिक मींस। ये कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ये जो सरप्लस लेबर है उसको कैपिटलिस्ट क्लास जो है इकोनॉमिक मीन से छीनता है लेबर से, मतलब उसको कोई बाय फोर्स उसको मार के या पॉलिटिकली या टैक्स लगा के नहीं छीनता है जो कि प्री कैपिटलिस्ट में होता था, उसको कहता है कि वो प्रॉफिट हमारा है, जबकि प्रॉफिट इज नथिंग बट द सरप्लस लेबर। जबकि प्री कैपिटलिस्ट में वो टैक्स के फॉर्म में छीन लिया जाता है, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, या उसको जो है कोई लैंडलॉर्ड जो है उसका लठिया ला करके छीन लेता है, या लोग ट्रिब्यूट राजा को देते हैं या अपने से ही किसी को गिफ्ट दे देते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मीन से वो छीना जाता था। अब कैपिटलिज्म में वो इकोनॉमिक मीन से जो है प्यार से जो है छिपे हुए फॉर्म में प्रॉफिट के फॉर्म में छीन लिया जाता है। प्री कैपिटलिस्ट में देखेंगे तो जो एक्सप्रोप्रिएटिंग क्लास था, छीनने वाला क्लास कौन था, जो पीजेंट से, मासेस से, आर्टिजन से छीन लेता था प्रोड्यूस या सरप्लस लेबर, वो थे किंग, फेडरल लॉर्ड, जमींदार अपने यहाँ इंग्लैंड में चर्च और यूरोप में चर्च भी, फेडरल लॉर्ड्स भी या फेडरल क्लास, और जो जिनसे छीना जाता था वो पीजेंट थे, स्मॉल आर्टिजन थे, ये थे। यहाँ पे कैपिटलिज्म में जो एक्सप्रोप्रिएटिंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास है, और जिनसे छीना जाता है वो प्रोलेटेरिएट है, मतलब लेबर क्लास है। प्री कैपिटलिज्म में सोशल रिलेशन वॉज गाइडेड बाई कस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजन, आप जानते हैं, जबकि कैपिटलिज्म के सिस्टम में इट इज ए इम्पर्सनल मार्केट मेडिएटेड सोशल रिलेशन, जो कि क्लास रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट होता है, कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास, डोमिनेंट वर्सेज सबऑर्डिनेट क्लास, रिच वर्सेज पुअर क्लास, प्रॉपर्टी वर्सेज प्रॉपर्टीलेस क्लास, इलीट वर्सेज मासेस। प्री कैपिटलिस्ट में जो है देयर वाज ए इंटरमिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर, दोनों मिला हुआ था। आप देखेंगे तो जैसे मुगल काल में तो जितने भी उसके जमींदार थे वो इकोनॉमिक भी जो पावर होल्ड करते थे वो टैक्स लेते थे, वो टैक्स का एक पोर्शन अपने बड़े राजा को देते थे, बड़े राजा जो है मुगल किंग को देते थे, और वो पॉलिटिकल पावर भी होल्ड करते थे। इनफैक्ट यदि आप इक्तादारी सिस्टम देखेंगे या मनसबदारी सिस्टम तो वो मिक्स है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर का, जबकि कैपिटलिज्म में जो है एकदम नीट सेपरेशन है इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर का। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट हो जाता है स्टेट पावर से, यहाँ स्टेट जो है वो टैक्स लगाता है वो अलग बात है, लेकिन वो एक्सप्रोप्रिएशन उस तरह का नहीं है। कैपिटलिज्म जो है अलग तरह से लेबर से एक्सप्रोप्रिएट करता है, मतलब छीनता है सरप्लस लेबर, और स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, पॉलिटिकल पावर मेंटेन करता है, कोअर्सन से जो है वो लोगों को जो है बांधता है, लेकिन वो एक इकोनॉमिक सिस्टम से अलग रखता है। इनफैक्ट दोनों में नेक्सस होता है, जो कैपिटलिस्ट नेशनल इकोनॉमी है और जो स्टेट नेशन स्टेट जो पॉलिटिकल गाइड करते हैं, तो पॉलिटिशियंस और आप कह लीजिए कैपिटलिस्ट क्लास में जो है एक तरह का नेक्सस बनता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब यदि हम देखें फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म के, इससे आपको ये थर्ड स्लाइड जैसे पूरी तरह क्लियर होगा मैं जो कहना चाहता हूं कि कैपिटलिज्म क्या है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे प्रोड्यूसर लूजेस ओनरशिप ऑन हिज प्रोड्यूस, बिल्कुल ऑब्वियस है। लेबर, लिप्सन जैसे बोलते हैं कि लेबर सेल्स नॉट फ्रूट ऑफ हिज लेबर बट द लेबर इटसेल्फ, वो अपना लेबर ही खुद बेच देता है, वो उस लेबर से प्रोड्यूस चीजों को बेचने का अधिकार खो देता है, वो तो कैपिटलिस्ट बेचता है।
कैपिटलिस्ट क्लास टेक अवे सरप्लस लेबर इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सरप्लस लेबर, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो कैपिटलिस्ट क्लास खुद रख लेता है और लेबर को केवल उसको सबसिस्टेंस लेबर का पैसा देता है वेज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, जिससे लेबर जिंदा रह सके, हेल्दी रह सके और वो काम कर सके। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, यह जबरदस्ती या पॉलिटिकल मेथड से नहीं है, कोएर्सन से नहीं है, बाय इकोनॉमिक मीन्स है। इट इज एक्सप्लॉयटेशन बाय इनहांसिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है? ये जो उद्यम होता है वो ऐसा सिस्टम डेवलप करता है टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, कि एक ही लेबर पहले जितना प्रोड्यूस कर पाता उससे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जो लेबर प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है उसको वो रख लेता है। इसको आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बाय इनहांसिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। वो शेयर नहीं करता लेबर के साथ, जो कि उसके इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैपिटलिस्ट क्लास ऑल्सो गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। इनफैक्ट ये 300 साल में आप देखेंगे तो जिसको बॉर्जियाजिस बोलते हैं, मिडिल क्लास, वो जो है दे बिकेम इलीट। जो कैपिटलिस्ट क्लास थे उन्होंने ही जो है डेमोक्रेसी दिया, लिबरलिज्म दिया, हमें एक पूरा इथोस दिया जिसमें आज हम मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी पूरे दुनिया में फैला हुआ है। तो वो जो है इलीट बन गए, पॉलिटिकल भी उन्होंने पावर होल्ड कर लिया। तो लेबर क्लास जो है वो मासेस बन गए। डिपेंडेंसी एंड सबॉर्डिनेट क्लास रिलेशनशिप होता है कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास में, मैंने बहुत बार बोला। इम्पर्सनल सोशल रिलेशन होता है जो मार्केट द्वारा मीडिएटेड होता है। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट डिटरमिन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शन, बहुत ऑब्वियस है। और कैपिटलिस्ट स्पिरिट क्या है? ये है कम्पिटिटिवनेस, कंटिन्यूअसली आपको कम्पीट करना है, नहीं तो फेल कर जाओगे। तो आप देख रहे हैं कि आजकल कई जो है बिजनेस पर्सन जेल में होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो कम्प्लीटली जो है कम्पिटिशन बेस्ड सिस्टम है ये, इनोवेटिव। आपको हमेशा इनोवेट करना होगा, आपको इंटरप्राइजिंग रहना होगा, अपने कंप्यूटर से आगे निकलना पड़ेगा, इनोवेट करना होगा, ऑलवेज एक्सपेंशन करना होगा। कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक्सपेंशनिस्ट है, आप रुक नहीं सकते हैं। ये इम्पर्सनल है, इसमें कोई जो है मेडिएशन जो है वो मार्केट के इनविजिबल हैंड द्वारा होता है। इंडिविजुअलिस्टिक है, लिबरल है अपने आइडियोलॉजी में, और डेमोक्रेसी जो है इसका एक तरह का आप कह सकते हैं फेस या फसाड, दोनों ही है। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो कैपिटलिज्म का एक फेस है, मुखौटा आप कह सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल। फाइनली इंट्रोडक्शन का ये जो फाइनल पार्ट है, फिर हम डायमेंशन देखेंगे। हु फॉर्म दिस कैपिटलिस्ट क्लास? क्या ये वो लैंडलॉर्ड थे, किंग्स थे, बैरोन्स थे, या इंडिया के जमींदार थे, फेडरल क्लास थे? नहीं, ये वो नहीं थे। दे वेयर बॉर्जियाजीज। बॉर्जियाजीज जो है फ्रेंच टर्म है, बॉर्जियाज, इसका मतलब ये होता है राइजिंग मिडिल क्लास इन पोस्ट फेडरल यूरोप। जब फेडरलिज्म यूरोप में 14 सेंचुरी में टूटने लगा, खासकर इंग्लैंड में और दूसरे जगह में, फ्रांस में 16, 17 सेंचुरी में, दो साल का करीब गैप था जब फेडरलिज्म टूटा, पहले इंग्लैंड में फिर मेनलैंड यूरोप में। तो वहां पे जो एक मिडिल क्लास जो इंटरप्राइजिंग था, एडवेंचरस था, इनोवेटिव था, उद्यम था उसके पास, जैसे उसमें कौन थे, बड़े बड़े इंग्लैंड में जो है बिग टीनेंट्स थे, जो कि लॉर्ड से जो है बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड जो है वो लीज पे लेते थे, वो थे जिसको कि जिन्होंने पहली बार कैपिटलिज्म का जन्म दिया, हम लोग आगे देखेंगे। फिर ट्रेडर्स मर्चेंट थे जो दूर दूर जाके जो है ट्रेडिंग करते थे, प्रोफेशनल्स थे जो अपने बुद्धि से लॉयर हो चाहे इस टाइप के काम करके जो है, जो पढ़ाई लिखाई करके, आर्टिजन गिल्ड बना करके, और फाइनली स्मॉल वर्कशॉप ओनर जो गैरेज में अपना फैक्ट्री सॉर्ट ऑफ शुरू कर रहे थे, वो सब सारे लोग जो है बॉर्जियाज थे, जिन्होंने कि इस कैपिटलिज्म को जन्म दिया, और इसलिए उसको बॉर्जियाजी रिवॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, और कैपिटलिस्ट क्लास को हम बॉर्जियाजीज भी कहते हैं। They also gained political power, मैंने ऐसे आपको बताया, जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ, जहां की पार्लियामेंट जो है वो कैपिटलिस्ट इथोस को रिप्रेजेंट करता था और मोनार्की के ऊपर उसका दबाव बढ़ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट बॉर्जियाजीज रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द फेडरल एंड क्लर्गीज एंड अदर्स। इट बिकेम फोर फ्रंट ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो उसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि यह कैथोलिक से अलग हो गया, उसके फोर फ्रंट में था ये बॉर्जियाजीज क्लास या कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी ये बॉर्जियाजीज क्लास था, वही लेकर के आया। लिबरलिज्म तो उन्हीं की देन है, जैसे लॉक, ये जितने भी आप समझ सकते हैं, एडमंड बर्क से लेकर के और रूसो
मिल्स, ये सभी जो हैं ये बॉर्जीज क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने डेमोक्रेसी भी, जो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो भी इसी क्लास ने दुनिया को दिया है। तो प्रोलेट्रिएट कौन हो गए इसके वर्ड से यदि आप देखें तो दे आर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी लेस वेज वर्कर हु सोल्ड देयर लेबर पावर टू द बॉर्जीज। वो अपना लेबर पावर उन्होंने बेच दिया, बाय हुज सरप्लस लेबर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट इज मेड। तो ये जो बॉर्जीज वर्सेस प्रोलेट्रिएट क्लास डेवलप किया, वही कैपिटलिज्म का शेप लिया। अब हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे और आपको क्लियर होगा। इसके लिंकेजेस जो और फिनोमेना है, आप बहुत सारा पढ़ भी चुके हैं, इसमें से लिबरलिज्म आपने पढ़ा है, कैपिटलिज्म लिबरलिज्म से बहुत ज्यादा मिला हुआ है। जॉन लॉक जो कि लिबरलिज्म के जो है फाउंटेन हेड समझ लीजिए कहलाते हैं, या टॉर्च बियरर कहलाते हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमारा जो राइट है प्रॉपर्टी पे वो एब्सोल्यूट है, अनएलिनिएबल है, कोई छीन नहीं सकता है, और वो नेचुरल राइट है। वो लिबरलिज्म का कोर बना। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी नेचर का जो पार्सल है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको यदि हम ले करके, मान लीजिए एक बंजर जमीन है, उसको यदि लेके उस पर हम लेबर करते हैं तो उससे जो प्रोड्यूस होता है वो भी हमारा प्रॉपर्टी हो गया। जिस तरह से हमारे बॉडी पे और हमारे लेबर पे हमारा एब्सोल्यूट हक है, उसी तरह उस प्रोडक्ट पे भी जो हमारे लेबर से पैदा हुआ है हमारा एब्सोल्यूट हक है। यहाँ पे उन्होंने एक और बहुत मजेदार बात कही कि वो लेबर जो है वो हमारा खुद अपने शरीर का हो सकता है, या हमारे स्लेव का हो सकता है, या हमारे सर्वेंट का हो सकता है, या हमारा ऐसा किसी इंप्लॉय का हो सकता है जिसको मैंने वेज कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। यहां से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। आप समझ सकते हैं कि इसलिए कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारा लेबर 100 रुपए में खरीद लिया, अब उससे हम जो है हीरे तराशते हैं और वो करोड़ों में बेचते हैं, तो उस करोड़ों प्रॉफिट पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम तो बस 100 रुपए पर डे का लो क्योंकि तुम्हारा लेबर हमने हायर किया है। वो जॉन लॉक के इस प्रिंसिपल से निकलता है जो कि लिबरलिज्म का कोर आइडियोलॉजी है। इसके अलावा जो लिबरल डॉक्ट्राइन है, इंडिविजुअलिज्म, रैशनैलिटी, रीजन्ड सेल्फ, लिबर्टी, नेचुरल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, स्टेट का लिमिटेड होना, अपना स्पेयर में इकोनॉमिक से अलग होना उसको, फ्री मार्केट, ये सब जो है कैपिटलिज्म को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया। इनफैक्ट ये सब कैपिटलिज्म के इंजन बन गए। बॉर्जियोजिस बिकेम चैंपियन ऑफ बोथ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आप देखेंगे तो दोनों के चैंपियन सेम है। जॉन लॉक जो है वो कैपिटलिज्म के भी चैंपियन है और लिबरलिज्म के भी चैंपियन है, और लिबरल डेमोक्रेसी के भी ये चैंपियन बन गए। तो इसलिए टुडेज लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी इज कैरियर ऑफ कैपिटलिज्म अक्रॉस द ग्लोब, एंड कंटेम्प्रेरी फेज ऑफ कैपिटलिज्म इज नोन एज नियो लिबरल फेज। आपको मतलब इतना ज्यादा मिला हुआ है कि 73 के बाद से जो कैपिटलिज्म का दौर जिसमें भी हम लोग सब जी रहे हैं उसको नियो लिबरल फेज ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है, जिसमें कि LPG यानी लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन जो है वो पॉलिसी है जो कैपिटलिज्म को पूरे ग्लोब में फैला रहे हैं। यदि हम ये देखें कि ये नेशन स्टेट से कैसे जुड़ता है कैपिटलिज्म, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, हमने पहले भी आपको बोला इट इज नथिंग बट अनएम्बिगुअस सोवरेन पावर ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, उसको स्टेट कहते हैं। और यदि नेशन भी उससे कोटर्मिनस हो जाए, नेशन मतलब एक कॉम जो कि एक जैसा सोचता है, जैसा पहनता है, जैसा खाता है, जैसा कल्चर है, तो वो नेशन स्टेट हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है ये कैपिटलिज्म के साथ इवॉल्व हुआ है। दोनों में कोई नाता खास हो चाहे नहीं हो, कोई एक दूसरे का कारण बने ना बने, लेकिन दोनों का अभ्युदय जो है एक साथ हुआ है। यदि आप देखेंगे तो इंग्लैंड का नेशन स्टेट जो बना है, इंग्लैंड में कैपिटलिज्म 16th-17th सेंचुरी में, मेनलैंड यूरोप में 18th-19th सेंचुरी में नेशन स्टेट और कैपिटलिज्म एक साथ दोनों आगे बढ़े हैं, एक दूसरे को दोनों ने जो है हेल्प किया है आगे बढ़ने में। सेम सोशल प्रोसेस से दोनों, एक इनफैक्ट दोनों का अभ्युदय हुआ है। सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर, जैसे मैंने बोला ये दोनों सेपरेट हो गए, और पॉलिटिकली कंस्टिट्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म। कम पॉलिटिकली कंस्टिट्यूटेड प्रॉपर्टी क्या है? आपने पॉलिटिकल पावर लिया, आप किंग हो या लॉर्ड हो या इख्तादार हो, और उसके चलते आप जो है टैक्स लेते हो, या आपको कोई जो है गिफ्ट दे देता है, आपको ट्रिब्यूट देता है किसान आर्टिजन, तो उससे जो प्रॉपर्टी आप लेते हो वो पॉलिटिकली कंस्टिट्यूटेड प्रॉपर्टी है। कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी बहुत अलग है। आप किसी से कोई दान नहीं लेते हो, किसी को कोई छीनते नहीं हो, आप लेबर जस्ट वे में मार्केट रेट पे खरीदते हो, अपना इनोवेशन लगाते हो, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जुटाते हो और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हो, उससे आप कैपिटल
आप बनाते हो बढ़ाते हो उसको कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी बोलते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पॉलिटिकली कंस्टिट्यूटेड प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी में ब्रॉट अबाउट बोथ नेशन स्टेट एंड कैपिटलिज्म। तो दोनों ये जो दोनों सोशल प्रोसेस दोनों के सेम थे। इन नेशन स्टेट पॉलिटिकल सॉवरेंटी बिकेम सेपरेट फ्रॉम, जैसा मैंने आपको बोला ये पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो है एक नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम से सेपरेट हो गया और दोनों एक दूसरे से जो है अलाइड रिलेशन भी बन गया, दोनों एक दूसरे को हेल्प करने लगे। उसी को मॉडर्न डेमोक्रेसी में कहते हैं कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का नेक्सस। दस मोमेंट ऑफ कोएर्सन, मतलब जहां पे कि आप छीन करके या दूसरे पे जो है फिजिकल दबाव से जो है आप पावर लाते हो, और मोमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब कि जो एक्सट्रैक्ट करते हो सरप्लस लेवल बाय कैपिटलिस्ट, ये दोनों सेपरेट हो गए। पहले दोनों एक थे। जब मुगल काल में आप, फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ जमींदार किसानों को अपने लठियाल से उसका मालगुजारी एक पोर्शन ले लेता था, वहां पे मोमेंट ऑफ कोएर्सन और मोमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन दोनों मिक्स था। वहां पे इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्फेयर था दोनों मिला हुआ था। यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया। स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करता है, लोगों का एक ऑर्डर मेंटेन करता है, और कैपिटलिस्ट जो है वो अपना इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाते हैं थ्रू सरप्लस लेबर बाय वे ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड। और एक और बहुत इसमें बहुत मजेदार बात है कि अभी देखिए कि पूरी दुनिया में जो है कैपिटलिज्म जो है ग्लोबलाइज्ड हो गया, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है नेशन स्टेट की अवधारणा जो है और स्ट्रेंथन होते जा रही है, वो और जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो एक ही साथ ये कंट्राडिक्शन की ग्लोबलाइज्ड कैपिटल वर्ल्ड है लेकिन नेशन स्टेट का जो है टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो है वो मिट नहीं रही है, ये भी एक अजीब सा रिलेशन है कैपिटलिज्म और नेशन स्टेट में। हम लोग देखेंगे इसके रीजन क्या है कई आगे के वीडियोस। आइए अब देखें कि कैपिटलिज्म कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में क्या नाता है। आपको मैंने बताया है कि कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक्सपेंशनिस्ट है, मतलब इसको विस्तार चाहिए लगातार, क्योंकि कैपिटल प्रोडक्ट बनाता है जो अधिक कैपिटल पैदा या मनी पैदा करता है जो फिर से जो है कैपिटल में जुड़ जाता है और अधिक जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन से और ज्यादा प्रोड्यूस होता है और अधिक मनी होता है। तो ये जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चाहता है यदि कंपिटिटिव हो तो, नहीं तो फिर उसी तरह से वो जो है विलीन भी हो जाता है जो फर्म नहीं कंपिटिटिव हो पाते हैं। तो ऐसे में जो कोलोनियलिज्म था और इंपीरियलिज्म दोनों में थोड़ा सा फर्क समझे तो कोलोनियलिज्म और दोनों सिनोनिमस जैसे हैं, लेकिन कोलोनियलिज्म में आप कॉलोनी बसाते हैं वहां जाके सेटल करते हैं और रूल भी करते हैं। इंपीरियलिज्म में वहां जाके सेटल होना जरूरी नहीं है, आप डिस्टेंट लैंड से जो है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली दूर के जगह को कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों ने जो है कैपिटलिज्म की जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है उसको पूरा किया। इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड इथिकल रैशनल ऑल्सो टू कॉलोनियलिज्म। ये भी रहा कि जो लॉक का जो व्यू था या लिबरलिस्ट व्यू था कि कैपिटलिस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय मिक्सिंग लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनटू हिदरटो यूजलेस वेस्ट नेचुरल एसेट ऑफ कॉलोनीज। तो लॉक का ये कहना था या कई लिबरलिस्ट का कि जो नेचुरल एसेट्स हैं जो कॉलोनीज में या डिस्टेंट लैंड में अनयूज्ड पड़े हुए हैं, उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो कैपिटलिस्ट स्पिरिट ये कहता है कि वहाँ जाइए अपने एंटरप्रेन्योरशिप से अपने लेबर से और अपने हायर्ड लेबर से उसको जो है वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, ये हमारा इथिकल रोल है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। तो ये कॉलोनियलिज्म का एक तरह से इथिकल रैशनल बन गया कि हमें कॉलोनी में जाके वहां पे डेवलपमेंट करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है। बॉर्जेसिस क्लास ऑफ कॉलोनियल नेशन कोर अलाइड विद बॉर्जेसिस क्लास ऑफ कॉलोनीज पेरिफेरी टू स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज कॉलोनियलिज्म। इसको ऐसे समझिए, ये मार्क्स के थ्योरी से ये आता है कि कोर और पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट है कि जो मेट्रोपॉलिटन नेशन स्टेट थे लाइक वेस्टर्न यूरोप के खास करके, उनको कोर कह सकते हैं आप वर्ल्ड के कंसर्न में। वहाँ की जो बॉर्जेसिस क्लास थे उन्होंने एक अलायंस बनाया, जो इलीट या बॉर्जेसिस क्लास जो इंडिया या अदर कॉलोनियल नेशन के जो क्लास थे उनके साथ में उन्होंने एक नेक्सस या अलायंस बनाया और उससे जो है डिस्टेंट लैंड में कॉलोनीज में कैपिटलाइज स्ट्रेंथन हुआ और स्टेबलाइज हुआ। तो ये दोनों के बीच का एक कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का एक नेक्सस बना।
जो अभी भी जारी है, इस ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जमाने में अभी भी जारी है, कई लोग कहते हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को लोग जो है नियो कोलोनियलिज्म या नियो इंपेरियलिज्म के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि कोर के जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अभी जो डेवलपिंग नेशन के जो कैपिटलिस्ट क्लास है इन दोनों से मिल करके जो मासेज हैं थर्ड वर्ल्ड के, उनको और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। कोलोनियलिज्म हेल्प्ड कैपिटलिस्ट क्लास इन गेटिंग चीप रॉ मटेरियल एंड इवन चीपर लेबर। आपको ये पता है कि कैसे लंकाशायर के क्लोथ मिल में इंडिया के जो कॉटन है वो फीड किए जाते रहे, और यहाँ का जो आर्टिजन बेस्ड या स्मॉल जो होम बेस्ड जो लूम्स थे सारे वो बंद हो गए। इसी तरह से स्टील जितने मिल थे इंग्लैंड के, उसने जो है यहाँ के छोटे छोटे जो 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 सेल्फ प्रोड्यूस करते थे रॉ स्टील को, उनको उन्होंने बंद करा दिया। तो ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉलोनी में हुआ उसने हेल्प किया कैपिटलिस्ट क्लास को, पर्टिकुलरली इन डेवलप्ड नेशन इन गेटिंग चीप रॉ मटेरियल इवन चीपर लेबर, जो आज भी चीपर लेबर जो है मिल रही है, और आज भी रॉ मटेरियल जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक्सप्लॉइट होकर के डेवलप नेशन में जा रहे हैं। कॉलोनियलिज्म हेल्प्ड डेवलप्ड कैपिटलिज्म इन कॉलोनीज। आप आज देखिए तो पूरा जो दुनिया है, इवन जो सोशलिस्ट वर्ल्ड हेंस ट्रू था ईस्टर्न यूरोप के, वो सब भी जो है हम कैपिटलिस्ट दायरे में आ गए हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री एशिया अफ्रीका तो पूरी तरह से एंड साउथ अमेरिका के आ चुके हैं। तो कॉलोनियलिज्म में उसका एक बहुत बड़ा रोल था कैपिटलिज्म को फैलाने में इन कॉलोनीज में। सो हम देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म और कॉलोनिज्म का एक बहुत क्लोज नाता रहा है। फाइनली यदि हम देखेंगे कैपिटलिज्म का ग्लोबलाइजेशन से क्या नाता है, ग्लोबलाइजेशन आप सभी जानते हैं कि ये इंटरकनेक्टेडनेस है नेशंस का इन ऑल फील्ड, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक फील्ड में, जहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट जो है वो डेवलप कर गए हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट डेवलप कर गए हैं, और एक नेशन स्टेट के टेरिटरी से जो कैपिटल मटेरियल एंड इवन ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, और इंटायर वर्ल्ड जो है वो जिसको ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई एंड प्रोडक्ट चेन से जुड़ गया है, और आज के डेट में जो है कहाँ पे कौन प्रोडक्ट बन रहा है और कहाँ पे सेल हो रहा है उसका नेशन के बाउंड्री से कोई नाता नहीं रह गया है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, सपोज कार, उसके जो कंपोनेंट हो सकता है 46 कंट्री में बन रहे हो और वो 73 कंट्री में जो है वो सोल्ड हो रहे हो। तो ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी जो सप्लाई चेन है या प्रोडक्ट चेन है वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है। इसमें कैपिटलिज्म का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर ट्विन इंजिन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज पूरी दुनिया में जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी और लिबरल डेमोक्रेसी जो है फीड करता है फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, और फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिबरल डेमोक्रेसी को, और दोनों मिल करके ग्लोबलाइजेशन को इंजिन की तरह बिहेव करते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री एक्सचेंज रेट एंड कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी, ये सारे जो हैं दे आर प्रोपेलिंग ग्लोबलाइजेशन ऑल अराउंड द ग्लोब। कैपिटल एज फाइनेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब कैपिटल जो है केवल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि कैपिटल जो है वो स्टॉक मार्केट में या अदर जो शेयर मार्केट होते हैं या अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो रिलेशन है इक्वेशन बदल जाता है कैपिटल मनी कैपिटल, मतलब सीधा जो है कैपिटल मनी में जो है कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट बीच से गायब हो जाता है, इसको कैपिटल एज फाइनेंस बोलते हैं। सर्कुलेशन ऑफ हॉट मनी, वैसा मनी जो कि कभी अमेरिका में है, कभी इंडिया में, कभी चाइना में, जहां इंटरेस्ट रेट अच्छा मिला, जहां पे रिटर्न अच्छा मिला, वो सारी मनी वहां पे इन्वेस्ट होती है फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें, और तुरंत वो जल्दी से निकाल लिए जाते हैं और दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, इसको सर्कुलेटिंग हॉट मनी बोलते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हो गई है, सभी जो मैंने आपको बताया कि जितने भी शेयर मार्केट हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो सभी जुड़ गए हैं,
और ये सारे मिलकर के ग्लोबलाइजेशन को फ्यूल कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटलिज्म के जो नए तरीके हैं, जैसे कैपिटलिज्म एज फाइनेंस या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वो भी जो है और ग्लोबल मार्केट को वो भी जो है जोड़ रहा है और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहा है। आपको पता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन दोनों लगभग एक जैसे हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में केवल ये उसका एक देश से काफी खास नाता होता है जो टीएनसी में हट जाता है। टीएनसी को इससे कोई मतलब नहीं कोई किस कंट्री का ओरिजिनली था। अभी सारे एमएनसी अब टीएनसी के जैसा बिहेव करते हैं। तो वो दे बोथ टीएनसी एमएनसी रिप्रेजेंट कैपिटलिज्म को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं और वो इसके वाहक भी हैं, ग्लोबलाइजेशन के वाहक हैं। हर दुनिया में, पूरी दुनिया में वो फैला रहे हैं। ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई एंड ग्लोबल कमोडिटी डिमांड चेन आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ये कैपिटलिज्म के भी जो है एक फीचर है। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म का जो एक्सपेंशनिस्ट जो फीचर है और जिस तरह से ये नेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानता है कैपिटल, वो इजिली क्रॉस कर जाता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के फॉर्म में या इवन फ्री ट्रेड के फॉर्म में, उसने जो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। तो कैपिटलिज्म जो है ग्लोबलाइजेशन का इंजन है, आप ऐसा सोच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सम अप दिस लॉन्ग डिस्कशन इन फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट ये है कि कैपिटलिज्म इज प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट, सबसे आसानी से आप समझ सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट है, इट कम्स फ्रॉम इनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी। जो श्रम की शक्ति का जो प्रोडक्टिविटी है वो जब बढ़ता है तो उससे प्रॉफिट पैदा होता है। ये एक बहुत ही पिकुलियर प्रोडक्शन मेथड है या मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जहां पे कि जो लेबर होते हैं वो अपना लेबर पावर सेल करते हैं और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है या जो प्रोड्यूस होता है उसका ओनरशिप बिल्कुल उनके ऊपर नहीं रहता है। और जो प्रोडक्ट में जो वैल्यू है जिसको मार्केट में सेल किया जाता है, वो सारा प्रॉफिट के फॉर्म में कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है और लेबर को केवल उसका जो वेज जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है वह मिलता है। ये एक जो मेथड है, इससे क्लास बेस्ड सोशल रिलेशन पैदा हुआ। वो डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास, जिसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर है, और सबॉर्डिनेट लेबर क्लास जो अपना लेबर पावर मार्केट रेट पे बेच देता है, इन दोनों के बीच में सोसाइटी बट गई है, हैव्स हैव नॉट या कैपिटलिस्ट प्रोलेटेरियट या इलीट मासेस। डिस्पाइट बीइंग एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, द एक्सप्लॉइटेशन इज नॉट बाय कोअर्शन बट प्राइमरली बाय इकोनॉमिक मींस, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस लेबर। आप समझिए कि पूरे हिस्ट्री में हमेशा दो एंटागोनिस्टिक क्लास में समाज बटा रहा है, एक जो एक्सप्लॉइटेड होता रहा है और दूसरा जो एक्सप्लॉइटेशन करता है, चाहे वो मास्टर स्लेव लीजिए बहुत एंशियंट टाइम में, या जमींदार और किसान लीजिए, या फेडरल लॉर्ड और सर्फ लीजिए, या अब जो है कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरियट क्लास। लेकिन अभी तक जो एक्सप्लॉइटेशन था वो अलग था कैपिटलिज्म के एक्सप्लॉइटेशन से, दो मायने में। एक कि जो प्रोडक्ट था उसका ओनरशिप जो है फिर भी प्रोड्यूसर के पास ही होता था, चाहे किसान है उसका भले ही लूट करके जमींदार के लोग ले जाएं या टैक्स के फॉर्म में ले जाएं, या स्टेट जो है हैवी टैक्स लगा करके ले जाए या ट्रिब्यूट के फॉर्म में ले जाए, जो ओनरशिप होता था वो प्रोड्यूस का वो किसान के पास होता था, वो उसे छीन के ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कैपिटलिज्म में कि जो ओनरशिप है प्रोडक्ट का वो लेबर के पास नहीं रहता है, और कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट है वो अपने को एक्सप्रोप्रिएट कर लेता है, मतलब छीन लेता है, और वो इकोनॉमिक मीन से छीनता है। वो कहता है कि भाई तुमको मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो पे लेबर की जो रेट हुई थी मैंने दिया, उसके बाद जो उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट होगा वो हम रख लेंगे। और ये एक तरह से वैसे ही छीनना है जैसे पुराने जमाने में था, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो सरप्लस लेबर वैल्यू है, उसको कैपिटलिस्ट रख लेता है। लेकिन ये प्योरली इकोनॉमिक मीन से होता है, ये किसी भी तरह से पॉलिटिकल या कोअर्शन से नहीं होता है। इस मायने में ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम बहुत ही नए टाइप का है। बीइंग इनहेरेंटली एक्सपेंशनिस्ट, कैपिटलिज्म इज क्लोजली लिंक्ड टू कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो हुए हैं वर्ल्ड में फिनोमेना, उनके पीछे कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजिकल व्हीकल ऑफ कैपिटलिज्म,
एंड डेमोक्रेसी इज इट्स फेस, और हो सकता है ये फसाद भी हो, मतलब ये मुख नहीं बल्कि मुखौटा है। डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है कि वो रियल डेमोक्रेसी से बहुत दूर चली गई है, वो लिबरल डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें कि एक्चुअल पावर जो है वो कैपिटलिस्ट जो इलीट है उनके पास में है, और देर इज ए ह्यूज नेक्सस बिटवीन द स्टेट पावर, कोएर्सिव पावर एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द बोर्जियाज़ीज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये जो है लिबरलिज्म जो है इसका एक आइडियोलॉजिकल व्हीकल बन गया है, और डेमोक्रेसी हैज बिकम इट्स फेस और फसाद, जैसा भी आप समझें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, आगे आपसे अगले वीक में मिलेंगे, मे बी वेरी क्विकली हम लोग जो है इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म को लेकर के एक दो दिन में आएंगे, फिर अगले वीक में हम नई टॉपिक को शुरू करेंगे। Thank you for watching.